हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेस पे जितने भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो मैं अपलोड करता हूँ। एंड हम लोग का एक टेलीग्राम एंड एज वेल एज फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक इन द गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। आज का जो वैकेंसी है वो राम हरिपुर रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यहाँ से आया हुआ है। असिस्टेंट टीचर के लिए आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोग का ग्रेजुएशन हो गया है उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी डिटेल्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। तो ये आप लोगों का ऑफिशियल जो PDF है, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सभी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट टीचर के लिए है। एंड जो सब्जेक्ट्स है वो आप लोग के देख लीजिए, यहाँ पे लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल साइंस एंड बंगाली, ये सब सब्जेक्ट आप लोगों का है। इवन आप लोगों का मिनिमम जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो भी आप लोग देख लीजिए, BSc पास विथ BEd, मतलब आप लोग एज बिकॉज ये टीचिंग पोस्ट प्रोफेसर के लिए है तो आप लोग को BEd मस्ट होना ही पड़ेगा। एंड एज वेल एज इसका सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर है वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो PDF में यहाँ पे बोला गया है, जो आपका मतलब जो एग्ज़ाम टाइप होगा वो रिटन टेस्ट Part 1 Part 2, इसमें होगा 45 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। उसके बाद एकेडमिक इंक्लूडिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, वहाँ पे 35 मार्क्स। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा, उसके बाद क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें टोटल सब कुछ मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसका ऊपर बेस करके एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसी बेसिस में आप लोग को ज्वाइनिंग मिल सकता है। एंड एप्लीकेशन का जो प्रोसीड्यूर है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, डेट बहुत ही शॉर्टेड है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट आवर वेबसाइट। इवन मैं ये जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं आप लोग को दे चुका हूँ, गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग को 27 जुलाई से शुरू होगा एंड आप लोग को 4 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स उसका पहले आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करने के बाद बाई हैंड ओनली आप लोग को फिलअप करने के बाद उसको बाई पोस्ट जो स्कूल का जो ऑफिशियल जो एड्रेस है उस ऑफिशियल एड्रेस में आप लोग को बाई पोस्ट भेज देना है। इसमें कोई ऑनलाइन या फिर बाई ईमेल से आप लोग एप्लीकेशन नहीं भेज सकते। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आप लोग ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीस लग रहा है यहाँ पे फॉर द जनरल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 500 लग रहा है फॉर द UR मतलब जनरल के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए 400 लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एंड एडमिट कार्ड एक आप लोग को जनरेट होगा। एंड जो मेथड ऑफ द सिलेक्शन है यहाँ पे Step 1, Step 2, Step 3, Step 4 ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग कहीं पे भी वर्किंग है या फिर कई जगह पे काम करते हैं तो वहाँ से आप लोग को अगर आप लोग सिलेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ पे एक NOC सर्टिफिकेट लगेगा। इवन पैनल में क्या क्या आप लोग को डिस्क्रिप्शन जानना पड़ेगा वो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा आप लोग वन बाई वन थोड़ा इसको PDF प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो आप लोग थोड़ा प्रॉपरली देख के उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार जो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे है मैं दिखा दे रहा हूँ, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, बंगाली, ये सब में आप लोगों को वैकेंसीज है। मतलब आप लोगों को Class 9 and 10 ये सब क्लासेस ही पढ़ाना पड़ेगा। जिन लोग BEd होल्डर है उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैं इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया एंड एज वेल एज वेस्ट बंगाल्स के लिए। सो थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।